राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम ग्वालियर में हैं और हमारे एक भाई साहब मिले हैं, वो हास्य योग से संबंधित आपको कुछ बातें बता रहे हैं। और आप उस व्यायाम को अगर करेंगे तो वाकई, क्योंकि मेरा तो देखकर ही बुरा हाल हो रहा था, जब मैं करूँगा तो क्या हाल होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हास्य योग बहुत ही अच्छा है। कभी मैं सुना करता था कि हा हा ही करके तो सब हंस लेते हैं, लेकिन हाई हाई हाउ हाउ करके कोई नहीं हंसता, लेकिन आज हमने वो भी सीखा कि हम इस तरीके से भी हंस सकते हैं। और भाई साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए इन्होंने इतना टाइम निकाला और हमें सहयोग किया। आप डॉक्टर हैं और एलोपैथी था पहले। अच्छा, रिटायर्ड एलोपैथी डॉक्टर हैं और ये अब हास्य योग पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और आप भी इसे देखिए, आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर सतीश सिंगल, पूर्व में एलोपैथी वर्ग में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट था, उसके बाद में मैं प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा किया, तो आजकल मैं प्राकृतिक चिकित्सा में हास्य योग से जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन योग करते हैं, कराते हैं। तो आज हास्यासन के बारे में बताएंगे कुछ। हास्य योग आज की इस भागम भाग जिंदगी में हम लोग हंसना भूल गए हैं। जिधर देखो उधर विषाद की स्थिति, अवसाद की स्थिति समाज में पैदा होती जा रही है, कारण हम लोग हंसते नहीं हैं। मानसिक परेशानियाँ, शारीरिक परेशानियाँ मनुष्यों के मन में बहुत पलती जा रही हैं, और कारण यही है कि हम लोग हंसते नहीं हैं। और अब तो बड़े शहरों में लाफिंग क्लब भी खुल गए हैं, जहाँ पैसे दे करके हंसे जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमको दिया है ऐसा सुंदर मौका हंसने का। तो फ्री योग के कैंप भी हैं सब जगह, लेकिन वहाँ कोई पहुँचते नहीं है। हम चाहते हैं हास्य योग भी प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 5 मिनट करना चाहिए, ये स्वस्थ रहना चाहते हैं आप, तो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। तो उसमें हम एक डोज हास्य की प्रतिदिन हमको लेनी चाहिए। डोज का मतलब होता है डीफोर डोपामिन, ओफोर ऑक्सीटोक्सिन, एसो सेरोटोनिन, इफोर एपिडोसिन, ये 4 जो हार्मोन्स होते हैं उसकी एक डोज। यदि हम प्रतिदिन हंसेंगे, ये 4 हार्मोन्स हमारा बैलेंस रहेंगे। हमारे अंदर जो बीमारियाँ होती हैं मानसिक, उसका कारण यही है कि 4 हार्मोन्स का जब बैलेंस ठीक नहीं होता है, असंतुलन हो जाता है, तो ये मानसिक बीमारियाँ होती है। इसके एक डोज लेने से हम मानसिक और शारीरिक दोनों व्याधियाँ हमारी दूर होंगी। ठीक है, तो हम प्रारंभ करेंगे हंसने का मूक हंसी। किसी भी आप आसन में बैठिए, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन बैठ करके, और हम पहले मुंह बंद करके और मुंह फुला करके हंसेंगे। हंसी इतनी तेज होनी चाहिए कि जो हमारे पेट तक आए। तो हम प्रारंभ करते हैं कैसे, देखिए। इसके करने से आपका चेहरा एकदम तमतमा जाएगा, पूरे चेहरे का व्यायाम होगा, आपकी हंसी पेट तक पहुंचेगी, आपके प्रत्येक पेट का अंग एक एक एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब हम दूसरी हंसी देंगे, मुंह खोलेंगे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, प्रारंभ करते हैं हाथ उठो ऊँचे करते हुए। एक बार और करेंगे, आप महसूस करेंगे इस करने के बाद में आपके चेहरे पे पसीना आने लगेगा, चेहरा लाल पड़ जाएगा,
बीच में आपके में थोड़ा सा खुदकार सी होगी, गर्मी सी आएगी बीच में। इसका मतलब हमारे पूरी बॉडी में इससे एक एक हमारा एक्टिवेट होगा। तीसरी ऐसी रहेंगे हम अट्ठास, जिसे कहते हैं रावण ऋषि, मस्ती से उन्मुख ऋषि करेंगे। हंसी का प्रकार बहुत है, समय होना चाहिए। आप कितना समय देते हैं, हंसी अलग तरह की है। हम जानवरों के ऊपर भी हंसी करते हैं, जानवर कैसे हंसते हैं। अब देखिए बंदर को ले लीजिए आप, बंदर की हंसी भी ऐसी होती है, बंदर कैसे हंसता है देखिए, वो बताएंगे आपको। देखिए हंस तो कैसे निकाल सकते हैं आप, हंस कैसे नहीं है, कैसे निकाल लीजिए आप, हंस तो हंसी है। देखिए अब चिड़िया उड़ती है, चिड़िया से हंसी हो गया, बहुत हंसी है। वर्णमाला के हिसाब से हंसी हो सकते हैं। हम बचपन में पढ़ते थे, छोटा छोटी छोटी ये पढ़ाया जाता था, उस क्रम में भी हंसी हो सकती है। तो प्रारंभ करते हैं छोटिया से, बढ़िया से करेंगे, बड़ी से सकेंगे, छोटी से सकेंगे, बड़े उसे छोटी ऐसे देंगे, बड़ी ऐसे छोटी उसे बड़े उसे छोटी अंग बड़ी अंग इस तरह से बहुत अच्छी होती है। तो याद के सामने नहीं करते तो अगली बार करते। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेलिंग एड्रेस है ओम जितेंद्र सिंह तोमर @gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।